Hey guys, to the Root Thinking channel. Are you super excited to about this video? इस वीडियो में आज हम फिर से दो रूट्स को पकड़ेंगे. पहला रूट है वो है ईगो, सेकंड रूट है फॉर्म. ईगो सुना होगा ना आपने, कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुझ में बड़ा ईगो आ गया है. तो आज ईगो से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स हैं वो देखेंगे और फॉर्म से रिलेटेड जोन जोन से वर्ड बनते हैं वो देखेंगे. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट जो वर्ड है ईगो, ईगो का मतलब होता है आई. मतलब आई इसलिए लिखा है कि जो ईगो शब्द है ना वो सिर्फ अपने आप के बारे में बात करता है. यानी कि एक पर्सन जो है उसमें अगर ईगो से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा. यानी कि आप इसको सेल्फिश बोल सकते हो. ठीक है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना. तो ईगो से जोन से वर्ड्स बनते हैं ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिक, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, देखते हैं आगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉर्म. फॉर्म का मतलब होता है बनना. ठीक है, अब बनना क्या क्या बन सकती है? शेप बन सकती है, किसी की पर्सनैलिटी बन सकती है. ठीक है, या फिर कोई जो है डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं ना. डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्म किए जाते हैं बिजनेस में, मीटिंग्स में, कुछ भी. ठीक है, कोई किसी टाइप की कोई फॉर्मेलिटी हो सकती है. ठीक है, तो इनसे कौन कौन से वर्ड बनते हैं ये देखिए. यहाँ पे मैंने दो तीन वर्ड लिखे हैं, कन्फर्म, फॉर्मुलेट, रिफॉर्म, और भी बहुत सारे वर्ड हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो वर्ड है वो है ईगो. तो ईगो का मतलब समझ गए ना, आई से रिलेटेड. यानी कि चाहे लड़का है, लड़की है, मेल है या फीमेल है, या कोई भी पर्सन है, जिसके अंदर ईगो होगा वो सेल्फिश होगा. यानी कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं. ठीक है, ईगोटिस्टिकल. ईगोटिस्टिकल का मतलब है जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि दूसरों से थोड़ा ज़्यादा सोचता है, दैट इज कॉल्ड ईगोटिस्टिकल. नेक्स्ट है ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट मतलब कि अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है. तो ईगोटिस्ट थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा है. अब फर्क है ना थोड़ा ज़्यादा सोचने में और बहुत ज़्यादा सोचने में. तो ईगोटिस्ट से ही बना है. देखिए, ईगोटिस्ट अगर बहुत ज़्यादा सोचता है और ईगोटिस्टिकल थोड़ा ज़्यादा सोच रहा है. ईगोइस्ट, ईगोइस्ट जिसमें ईगो है. ठीक है, ईगोटिज्म, ईगोटिज्म वही अपने बारे में ही सोचना, दैट इज कॉल्ड ईगोटिज्म. नेक्स्ट वर्ड है ईगोइज्म. ईगोइज्म, ईगोटिज्म दोनों का मतलब यही है कि वो पर्सन जो है सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है. जैसे कि अब मैं हूँ, मैं दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हूँ. अब मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड ईगोटिज्म, ईगोइज्म. ईगोमैनिक, ईगोमैनिक जिसमें अहंकार भरा होता है, मतलब कि अपने ही बारे में जो दूसरों को बहुत नीचा समझता है. ईगोमैनिकल वही अहंकारी, अपने बारे में सोचता है ज़्यादा. सुपर ईगो, देखिए सुपर ईगो जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है. हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना उसमें तीन चीज़ें होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो. ठीक है, ये तीनों चीज़ें होती हैं. तो इड क्या है? इड है हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स, हमारी विशेस. ठीक है, ईगो क्या है? ईगो हमारे में नेगेटिव चीज़ है. ठीक है, सुपर ईगो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है. सुपर ईगो क्या करता है कि ये ईगो जो है वो चाहता है कि हमारी इच्छाएं बस पूरी हो जाए, कैसे भी हो जाए. ठीक है, नेगेटिव है ना, तो कैसे भी बस वो अपने आप को देखता है कि भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, तो मेरी इच्छाएं कैसे भी पूरी हो जाए, चाहे वो अच्छे तरीके से हो और चाहे गलत तरीके से हो. लेकिन जो सुपर ईगो है ना वो पर्सन को दिखाता है कि भाई इच्छाएं तो ठीक है, बट तुझे बैलेंस करके देखना है कि कहीं इस ईगो के चक्कर में तेरा नुकसान ना हो जाए. तो सुपर ईगो एक पॉजिटिव फीलिंग है एक पर्सन के अंदर, जो देखता है कि क्या हो रहा है और क्या सही है पर्सन. ठीक है, ऑल्टर ईगो अहंकार को बदले जो दूसरी साइड होती है एक पर्सन के अंतर्गत, उसे बोलते हैं ऑल्टर ईगो. नेक्स्ट वर्ड है ईगो सेंट्रिक. सेंट्रिक मतलब वही होता है कि केंद्रित, इसलिए पहले हम इसको पढ़ चुके हैं. तो एक पर्सन जो है अपने आप को सेंटर में रखकर ही सारे डिसीजन लेता है. जैसे हेड ऑफ द फैमिली कई बार ऐसे ईगोसेंट्रिक भी हो सकता है कि वो दूसरे बच्चों की, बीवी की परवाह किए बिना अपने अकॉर्डिंग सारे फैसले ले रहा है, अपने आप को सेंटर में समझ के. ठीक है, ईगोसेंट्रिक से ही बनता है ईगोसेंट्रिज्म, जो अपनी ओपिनियन, अपने इंटरेस्ट को ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझता है. नेक्स्ट है ईगोमैनिया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है रेस्टेबल लव होता है अपने आप के लिए. ठीक है, ईगोमैनिक,
ईगोमैनिक जो है अपने आप के लिए एबनॉर्मली तरीके से, नॉर्मली तो ठीक है लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अपने आप को ही सेंटर में रखकर चीज़ें करता है, दैट इज़ कॉल्ड ईगोमैनिक। ईगोपैथी, ईगोपैथी जो है हॉस्टाइल बिहेवियर है, यानी कि जो अपने आप को ही बिल्कुल इम्पोर्टेंस देता है दूसरों को। कई बार ना ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, मतलब दिमाग की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शेप, किसी भी प्रकार की शेप बनाना। अब शेप मैंने बताया था, शेप जो है पर्सनैलिटी की भी हो सकती है, पर्सन की भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स की भी हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है, तो फॉर्म तो कुछ भी हो सकता है। पहला है फॉर्मलेस। लेस का मतलब नहीं, यानी कि जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, जैसे कि अमीबा, अमीबा इसकी कोई शेप नहीं है, हम इसको बता नहीं सकते ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता है, तो हम बता नहीं सकते कि किस शेप का है, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मलेस। फॉर्मेलिक, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। अब फॉर्मूलाज किस में होते हैं, मैथ्स में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैथ्स में भी हो सकते हैं, साइंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिक। इनफॉर्मेलिटी, फॉर्मल तरीके से जो काम किया जाता है उसे फॉर्मेलिटी कहते हैं, और जो अनौपचारिक इनफॉर्मेलिटी रूप में काम किया जाता है उसे इनफॉर्मेलिटी कहते हैं, अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक मतलब कैजुअल रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो पर्सन कहलाता है इन्फॉर्मेंट, हु सप्लाइज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन। देखिए री मतलब दोबारा से, फॉर्म मतलब शेप का बनना, तो जिसमें अपनी पर्सनैलिटी या किसी भी पर्सनैलिटी नहीं हो सकता, सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं हो सकता, किसी भी चीज में सुधार किया हो उसको कहते हैं रिफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी की बात कर सकते हैं, जैसे एक आदमी बहुत मान लीजिए मोटा था और एकदम से उसने एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम में अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट करके आपके सामने आ गया, तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन किया उसने अपने, आपका क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव मतलब होता है कि अच्छा गुणात्मक परिवर्तन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक जिसमें एक चीजें रेगुलर बेसिस पे होती है और स्टेप बाय स्टेप होती है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि एक ऐसी चीज जिससे हमें सूचनाएं मिलती है और सूचनाएं बढ़ती ही रहती है, इन्फॉर्मेटिव। मैलफॉर्मेशन। मैल का मतलब होता है, हमने पहले ये मैल वर्ड जो है रूट में देखा था, इसका मतलब होता है बुरा। बुरा फॉर्मेशन यानी कि जिसकी जो रचना है वो अच्छी नहीं है। अब किसकी रचना अच्छी नहीं है, बॉडी की भी हो सकती है, किसी की भी या किसी भी स्ट्रक्चर की हो सकती है, तो उसे बोलते हैं मैलफॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है गलत सूचना, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन को डिस इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब होता है गलत सूचना। मल्टी फॉर्म, जिसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, उस शब्द से हम मल्टी फॉर्म देते हैं, जिसकी बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। देखिए हाँ जी, ये आ गया दोनों, डिस इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू मिस इन्फॉर्मेशन, दोनों का मतलब होता है गलत सूचना या गलत प्रचार करना। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मतलब कि पूरे नियम कानूनों के तहत में, पूरे एटिकेट्स के साथ में जब चीज़ों को किया जाता है तो उसे कहते हैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना। फॉर्मलाइज। फॉर्मलाइज का मतलब है कि उस चीज को जो है अभी तक आपने सिर्फ सोची है, ठीक है, और अब उसको आप फॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी कि उसको आप एक ऑफिस में फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मलाइज। नेक्स्ट है फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड एक प्रिंटेड शेप हो गई किसी भी चीज की, प्रिंटेड रूप जो होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटेड। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव है कि जो दूसरों की ग्रोथ को, ऐसी शेप्स जो इंडिकेट करती हैं ग्रोथ को, ठीक है, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव। कई बार क्या होता है कंपनीज में ऐसा डेटा बना के नहीं हम देखते हैं कि भाई ग्रोथ अच्छी हो रही है इस ईयर में, 2002 में, 2003 में, 2005 में, तो ग्रोथ कैसी है, अच्छी हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो ये शेप्स क्या कराती है, फॉर्मेटिव। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट अगर एक पर्सन है जिसने अपने माइंड में कुछ थॉट सोची है कि ये मुझे कंप्लीट करना है, फिर उसको उसने सोचा है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अब उस बिजनेस को एक्शन में करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो खुद कुछ मतलब नया नहीं सोचता है और दूसरों की ही सब कायदे कानूनों को फॉलो करता है, ठीक है, वो जो सोसाइटी के द्वारा जो सेट किए जाते हैं उन्हीं को ही फॉलो करता है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी चीज को करने के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। फॉर्मूला, फॉर्मूला एक मेथड और प्लान होता है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। डिफॉर्म, डिफॉर्म मतलब कि जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, फॉर्मलेस बनाने के लिए डिफॉर्म किया जाता है। डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी बॉडी का जो पार्ट होता है ना, बॉडी के पार्ट जो खराब हो चुका है उसको अलग करना, तो उसको कहते हैं डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट है रिफॉर्म। रिफॉर्म बता दिया था, उसको दोबारा से जब फॉर्म किया जाता है अच्छे तरीके में, बेटर वे में, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डेंस इन फॉर्म एंड अपीयरेंस, कि मतलब कि किसी दूर तरीके से कुछ चीजें बनना और दिखाई देना, दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्मिटी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्विज सेक्शन। अपनी प्रोग्रेस को चेक कीजिएगा, आपको कितना समझ में आया ये जरूर चेक कीजिएगा, और जो उनसे ये नीचे मैंने क्विज पूछे हैं ये इनसे मीनिंग जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।